हेलो गाइस, दिस इज़ द स्फाग्नम। यह दलदली स्थानों पर उगने वाला एक प्रकार का सेवार होता है। अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो ये 1000 साल से भी ज़्यादा जीवित रह सकता है और इसके 380 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके लाइफ साइकिल की 2 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में इसको हम लोग जेमेटोफाइट कहते हैं और सेकेंड स्टेज में इसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। जब ये फर्स्ट स्टेज में होता है तब इसके पास जो है लीव्स, मतलब इसकी पत्तियां और वगैरह वगैरह होते हैं, लेकिन जब ये स्पोरोफाइट बन जाता है तो ये एबल हो जाता है सेक्सुअली, मतलब अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए। अगर हम इसका यूजेस देखें तो इंक्रीज, मतलब ये मिट्टी में जो है सॉइल की कैपेसिटी को बढ़ाता है और पानी को पकड़े रखता है। पानी के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स को भी पकड़े रहता है और इसकी कैपिलरी, मतलब इसमें कैपिलरी फोर्स लगता है जिसमें पानी को मतलब काफ़ी देर तक पकड़े रहने की क्षमता होती है। अगर इसका मेडिसिनल यूज़ हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है इसका सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के काम में आता था। जैसे मतलब कोई वर्ल्ड वार में किसी का पैर चला गया या फिर मतलब किसी की नाक टूट गई तो उसमें जो सर्जिकल होता था ना, उसका ड्रेसिंग बनाने के काम में आता था। और आज भी जो है नॉर्थ अमेरिका और लैपलैंड एक मतलब शहर जैसे देशों में इसका टॉयलेट पेपर बनाने के प्रयोग में आता है। तो दिस इज़ द स्फाग्नम एंड दिस इज़ final. Thanks for watching my videos.